कुछ नहीं भाई, मान लियो 1500 बस साल भर। साल भर में 1500? बस काम ही नहीं करते हैं। तो कैसे खर्चा, दो बच्चे हैं, किस प्रकार से खर्चा कैसे? सब योगी बाबा है, नहीं राशन मिलता, केवल राशन जब 50 5 क्विंटल घर चल जाते हैं, 5 किलो दे तो महीने में का करी होगा। दीपेंद्र कहीं अभी कोई देखा नहीं, कितने के यहाँ मेरे गाँव में। यहाँ विधायक तो वही गए, सांसद तो वही गए, साल भर हो गए कोई काम ही नहीं है यहाँ, ना नरेगा है ना कोई चीज़ है, कोई काम ही नहीं। गांव से निकल के बाहर जाओ, जहाँ जाओ वहाँ पैसा नहीं मिलता है, मार जाता है, क्या बताएं। मजदूर कार्ड बना है, मजदूर कार्ड से कोई मतलब ही नहीं। तो कोई मतलब लोकल की रोड नहीं है जो आप कर रहे हो? तो इस बार किसको प्रधानमंत्री? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, वोट किसको देंगे तो देखा जाएगा। किसको देंगे? मोदी को वोट देंगे, और मोदी बस खुश हो। ठीक है, तुम खुश हो, तुम्हारे लिए कह रहे हैं खाली। नहीं हमारे, नहीं नहीं आपके लिए, आप लोग यही मत मत आपका अधिकार है, वो आप अपने हिसाब से देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इन स्टार इंडिया। आज हम लोग मौजूद हैं बाराबंकी के मसौली ब्लॉक क्षेत्र में, जहां पे हम लोग जानेंगे कि इस बार क्या है चुनावी माहौल, क्या माहौल है इस बार चुनाव का। चुनाव का माहौल क्या बताएं, यहां का माहौल बहुत गड़बड़ चल रहा। कैसा विकास कैसा हुआ पिछले? तो इस 5 साल में कुछ नहीं हुआ, यहाँ जो बना था वो भी खुद गया। किस प्रकार से, जैसे कि विकास कैसे नहीं हुआ, मतलब सब कुछ तो विकास या का भाव, कुछ नहीं हुआ। राशन मिलता है? राशन मिलता, केवल राशन जब 50 5 क्विंटल घर चल जाते हैं, 5 किलो दे तो महीने में का करी होगा। अच्छा, जो अभी राशन मिलता है उस प्रकार से 2000 रुपये आते होंगे सरकार के तरफ से? 2000 रुपये आते हैं, 2000 रुपये में जब हमारा 10,000 नुकसान हो जाता है, तो 2000 में क्या फ़ायदा है, क्या करेगा किसान। तो इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? वोट हमारे देश को कहाँ बन जाए गवर्नमेंट, जहाँ जब पूरी पब्लिक चाहिए तब तो बन सकते हैं, हमारे शहर कहाँ बन जाए। नहीं, फिर भी कोई तो नज़र में होगा जिसको आप देखना चाह रहे हैं। आएगी कांग्रेस खाई सब मजा आई। तो कांग्रेस क्यों, मतलब 10 साल जो मोदी जी के हुए हैं उस पर, मतलब वो क्यों दोबारा क्यों नहीं आएगी, किस प्रकार से, मतलब विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। क्या नहीं विकास हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, जो बना रहा है वो बिगड़ गया। आप गांव में कोई नेता को भेज कर उनको बुलवा के दिखाइए कि क्या विकास हुआ है हमारे गांव में। सांसद कौन है आपके यहाँ? सांसद माननीय उपेंद्र। कभी आते हैं? कभी नहीं आए, जब से सांसद हुए तभी आए भी नहीं। अच्छा, देखा भी नहीं क्षेत्र अपना घूम के? और भी गांव में नहीं जाते या सिर्फ आप ही के गांव में? अरे यहाँ नहीं आए तो हम जानते, आने आते का हमने मामला नहीं जानते, आते क्या हुआ रहा क्या नहीं हुआ रहा। हमारे यहाँ अगर गांव की पोजीशन देखी जाए तो कुछ भी विकास नहीं हुआ भाई, कुछ भी विकास नहीं हुआ और बिगड़ गया है। क्या कह रहे हैं? अरे कहती आका गली शुद्ध है गांव के, वही धरे निकरे वही चाहे बांध दो लगा दो आगे बढ़ जाए सकत गांव। तो क्या रुझान है इस बार, कौन आएगा सत्ता में, किसके सर पे ताज होगा प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री कांग्रेस बनी। अच्छा, कांग्रेस बनेगी। अच्छा, जो मोदी के 9 साल रहे हैं वो किस प्रकार से, आप किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या विकास हुआ, कैसे होना चाहिए था? अरे विकास कुछ नहीं हुआ, देखा जाए तो कुछ विकास विकास हुआ है गांव का? गांव क्या भैया, कोई नहीं हुआ कि सही काम हुआ हो। दीपेंद्र कहीं अभी कोई देखा नहीं, कितने के यहाँ मेरे गांव में। यहाँ विधायक तो वही गए, सांसद तो वही गए, मतलब कोई देखा नहीं, कितने की यहाँ हुई, यहाँ जब आए तो देखा है कौन का। अच्छा, यही नहीं आते या और भी कहीं नहीं जाते, वोट मांगने तो आते होंगे? अब भैया जब उनका काम हो तब तो बताइए कोई। तो इस बार किसको 2024 में देखना चाहते? बराबर सरकार यह रही बीजेपी की, वार्ड चाहिए जहाँ दिए सरकार यहाँ। हाँ, जब सब बिरादरी वार्ड दिया, बहुत बिरादरी वार्ड दी जब, तो बैलेंस ज्यादा तो हुई, और एक दो बिरादरी से बन नहीं, सारी बिरादरी से बन नहीं सरकार। कोई ऐसे यादव दिए, गौतम दिए, रावत दिए, मुसलमान हो दिए, ठाकुर हो दिए, पंडित हो दिए, कुम्हार हो दिए, धोबी हो दिए, सब दिए थे ना, इसके वजह से सरकार यह की बनेगी बीजेपी की। तो दादा अभी कह रहे थे कि जो सांसद जी है वो अभी एक बार भी गांव में नहीं आए। सांसद कोई हो जाए तो कब हो उतने नहीं गाँव का, वोट मांगे आवे चुनाव सरकार यही बनेगी। सही, जो कोई हो जाए लौट कर आया होते, और उनका बढ़िया बराबर मान लो गड्डी मिला करते, यहाँ मान लो विकास मोदी जी जैले रहे तो खूब हुई, और खूब भया
महंगाई का गैस सिलेंडर 2000 का हो जाता किस। अच्छा इस बार आपके गांव में ऐसी क्या देखने वाली, मतलब कैसा क्या विकास हुआ है इस साल? बढ़िया बत्ती आ रही, बढ़िया इधर 2000 मिल रहा है, बढ़िया गल्ला फ्री मिल रहा है, और का बच्चन का घी तक मिला था, बढ़िया दाल मिले, और का चाहिए भैया, बहुत बढ़िया। मोदी जी को ही लाएंगे, बनी और फिर बनी, बराबर बनी मोदी जी सरकार, बराबर वही सरकारें बनी गई। अच्छा क्यों, मतलब और भी जो सरकारें हैं जो 10 साल से काम कर रही है, और सरकार भैया सब बेकार ही के आगे। हमका ये सरकार में फायदा बढ़िया, लाइट मिले, गैस सिलेंडर मिले, महीने में 3 बार गल्ला मिले। अब भैया आएंगे तो कहा मोदी जी लाए हैं भैया, भैया आएंगे तो आएंगे, वो पैसा मिले तो यार बात है। जब पानी ज्यादा हो तो भैया ईबे करी, हाँ खालपट है तो भैया आना आना तो उनका मोदी जी रोक लें कि एक जी जरूर कोई रोक ली बात तो फिर ये भी कोई गलत बात है। ये कोई कहा सड़वा हमारे खड़वा चले लिए, सड़वा के क्या है मोदी, सड़वा हमारे आए हैं भाई, सड़वा हमारा तुम्हारे को कहाँ वो रोक ले हैं, कत्ते पाल ले हैं वही। अच्छा पढ़ाई इस बार जो पढ़ाई का क्या माहौल है, मतलब जो गाँव में बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? हमारे दो लड़की एक लड़का है। क्या करते हैं आप? हम यही मजदूरी करते हैं। खर्चा चल जाता है? अरे नहीं चला तो कोई ना चला भाई, करीब कौन दिक्कत है नहीं, फिर भी कितना कमा लेते होंगे? अरे कुछ नहीं भाई, मान लियो 1500 बस साल भर। साल भर में 1500 बस, काम ही नहीं करते हैं तो कैसे खर्चा? दो बच्चे हैं, किस प्रकार से खर्चा कैसे? सब योगी बाबा है नहीं, योगी बाबा है, गल्ला दिए थे खाए हुए साल भर। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, किस स्कूल में भाई? है सरकारी में है। बार क्या माहौल है, क्या चल रहा है? सरकार आए बनी मोदी सरकार। अच्छा मोदी सरकार बनेगी तो किस प्रकार, मतलब धानवान ठीक है? धानवान ठीक। तो किस प्रकार से, मतलब जो गांव का इस बार विकास हुआ है कुछ? विकास तो कुछ भी नहीं किन। अच्छा विकास नहीं हुआ है फिर भी? विकास भी नहीं किन, फिर भी मोदी जी आएंगे? फिर ही जनवाई करो मान लिया। नहीं आप किसको वोट देंगे, मतलब आपके हिसाब से किसको वोट देना चाहिए, और आपका इस बार जो 2024 में मुद्दा रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कि मतलब किस चीज़ को विकास को लेकर वोट देंगे, या सिर्फ मोदी जी की लहर है तो सिर्फ उसी को, मतलब? अरे हमका आराम है तो हम वोट दे वो का। 2024 का क्या माहौल है इस बार? इस बार पेवर सरकार बनेगी। पेवर सरकार बनेगी तो मतलब किस मुद्दे को लेकर बनेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? तो काम सही हो रहे हैं, रोड सड़क हाईवे सब बन रहे हैं। जिले से बाहर जाओ तो तमाम पैसा पड़ता था, यहाँ एंट्री कराओ वहाँ एंट्री कराओ, अब कुछ नहीं पड़ता है, सीधा चले जाओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं। गांव में क्या विकास हुआ है, किस प्रकार से विकास हुआ है, मतलब बाहर बाहर तो ठीक है हो रहा है लेकिन? आज कोई रहन नहीं हुआ है, नरिया नाली सब बने नहीं है, रोड पूरी सब RCC लगी नहीं, अब टूटे वाली है दोबारा। अच्छा जो ये गांव में जो लेटरिंगें बनी थी वो कितने लोग यूज कर रहे हैं? लेटरिनें बनी रहे हैं, बहुत लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे रोड हैं, और न कुछ लोग हैं इसे जो कंडा रखते हैं उसमें लकड़ी। तो गांव में जो लेटरिंगें बनी उसमें कंडा रख रहे हैं? हाँ। तो मतलब आपको मिली थी? हमें मिली थी। आप यूज करते हैं? हम यूज नहीं करते, हमने तो गिरा दिया था, हमारे पास घर रहा नहीं था बनाने के लिए। आवास मिला है आपको? आवास नहीं मिला, कोठरी गिरे वाली है। तो अभी आप कह रहे थे कि विकास हुआ है? विकास हुआ है, आवास नहीं मिली है, मिले वाली है, वो उम्मीद महान कि मिल जाएगी, मिलने वाली है। तो मतलब है क्या लगता है कि इस बार गांव का जो आपके गांव का माहौल क्या है, किस प्रकार? हमारे गांव का तो माहौल फिलहाल ठीक है, भूखन कोई नहीं मरत है सरकार में, हाँ दारू रोज पियते हैं आदमी रोज। अच्छा मिलना चाहिए आपको आवास की नहीं मिलना चाहिए? आवास मिलना चाहिए, जिसको अधिकार है मिलने का उसको जरूर मिलना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कह दे कि 2022 तक जो आवास थे, जो प्रधानमंत्री आवास था, उसके तहत सारे घर बन जाएंगे, तो इसमें इतना लेट क्यों हो रहा है? घर क्या जिसके जिसके बनने वाले थे बने हैं, ये हमारे भैया जी खड़े हैं, इनको मिली है आवास, और हैं कुछ लोग मिली है, और जिनको नहीं मिली है उनको मिलना चाहिए, इसमें प्रधान की कमी है। अच्छा प्रधान जी की कमी है, क्यों नहीं है? आप वो जो फॉर्म आता है अप्लाई किए थे? फॉर्म वॉर्म हमने तो कोई अप्लाई नहीं किया, हमारा जमा है कागज वागज, और देख रहे हैं सहारा कब आती है या नहीं आती। और भी लोगों से बात करें दादा, क्या माहौल है दादा इस बार गांव का? क्या होता है क्या माहौल है? माहौल सब क्या बताएं सब, किसको देंगे इस बार वोट?
सरकार किसकी बना रहे हैं? जिसकी बनने वाली होगी उसको देंगे, जिसको देखा जाएगा कि जिसकी बन जाए सरकार, पहले किसको बताएं। तो क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी कितना कमा लेते होंगे? अब साल भर हो गए कोई काम ही नहीं है यहाँ, ना नरेगा है ना कोई चीज़ है, कोई काम ही नहीं। अच्छा, मनरेगा भी नहीं है? कुछ नहीं है। तो कैसे घर कैसे चलता है, किस प्रकार से बच्चे? वहाँ से कोई काम करो या गांव से निकल के बाहर जाओ, जहाँ जाओ वहाँ पैसा नहीं मिलता है, मार जाता है, क्या बताएं। मजदूर कार्ड बना है, मजदूर कार्ड से कोई मतलब ही नहीं। रिपोर्ट करो तो घर से लगाओ, जो मंजूर करो तो गल्ला पानी बेच के दियो थाने वाले के, कौन मतलब है। थाने वाले भी नहीं सुनते हैं? कुछ नहीं, वो घर से पुंजा लेते हैं। तो मंजूर भी काम करे फिर वही चालान कराए, चालान कर देते हैं थाने को जाओ रिपोर्ट कराने, वो उल्टा जमा कर देते हैं जाओ तहसील को छुड़ाने के लिए, छुड़ा जो कुछ हो घर में बेच बाँच के चले आए। तो कानून व्यवस्था नहीं से। बच्चे कितने हैं आपके? चार बच्चे हैं। तो कैसे मतलब कैसे चलता है घर, किस प्रकार से? कैसे बताएं, बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चे बाहर, एक गया है बाहर काम करने, तीन घर पे हैं। पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ाई दो पढ़ रहे हैं, एक इंटर कर, दो इंटर कर चुके हैं, मेरे आगे के लिए पैसा नहीं तो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो क्या माहौल इस बार का, किसकी सरकार बनेगी? सरकार को क्या हम बताएं, सरकार जो चल रही है होगी और क्या बताएं, इसके आगे कोई की सरकार चलेगी नहीं। अच्छा, आप हाथ में हैं उसके, मोदी जी के, योगी मोदी जो ले हैं तो ले, कोई की सरकार नहीं होने। अच्छा, किसी की सरकार नहीं बनी। और भी यहाँ पे लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से इस बार इंडिया गठबंधन आएगी सत्ता में, या फिर ऐसे ही मोदी सरकार रहेगी, और मतलब किस प्रकार से इस बार जो इस बार गाँव का विकास हुआ है वो क्या हुआ है। क्या नाम है आप? सत्येंद्र। तो क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं इसमें, टहल रहे हैं। किस क्लास में हैं? टेंथ में। टेंथ में, तो कहाँ, सरकारी में जाते हैं? नहीं, प्राइवेट में। अच्छा, प्राइवेट में जाते हैं। तो क्या गांव का माहौल क्या है इस बार? सब बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? सब बढ़िया चल रही है और सब सब ठीक है। तो कौन है इस बार मतलब प्रधानमंत्री, कौन है देश का, जानते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। यस सर। योगी कौन है? कौन है योग प्रधानमंत्री? मोदी हैं। किस क्लास में है? हम टेंथ में। कहाँ जाते हैं पढ़ने? मसौली। अच्छा, प्राइवेट में? और भी यहाँ पे लोग हैं जिनसे हम लोग जानेंगे किस प्रकार से इस बार 2024 का चुनाव का माहौल है, और क्या क्या नाम है भैया आपका? संतोष शुक्ला। क्या करते हैं? बस यही प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम करते हैं, और कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 20,000 रुपये। 20,000 कमाए तो। और सब मतलब इस बार जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन जीत रही है या फिर मोदी जी फिर से आ रहे हैं? इंडिया गठबंधन का कहीं नाम ही नहीं है। मोदी जी फिर से आ रहे हैं, बम्पर रोड से आ रहे हैं। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? दो हैं। दो हैं। तो पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। पत्रकारिता करें, साइड छोड़ खड़े हो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाए आपका। हाँ, मान लो रोड जाम के है हो, कोई पत्रकारिता थोड़े है, पहले आप लोग साइड पकड़ो को, पत्रकारिता करो, समझे हो? ठीक है दादा, लेकिन गांव का माहौल है इसलिए गांव का चाहे जहाँ का रोड होती है, काली रोड है PWD की, तो कोई मतलब लोकल की रोड नहीं है जो आप कर रहे हो। तो इस बार किसको प्रधानमंत्री? इससे कोई मतलब नहीं है, वोट किसको यही तो देखा जाएगा। है किसको देंगे? मोदी को वोट देंगे। और मोदी बस खुश हो? ठीक है, तुम खुश हो, तुम्हारे लिए कह रहे हैं खाली। नहीं, हमारे नहीं, आपके लिए। आप लोग मत आपका अधिकार है, वो आप अपने हिसाब से देंगे।